लोगों ने नाश्ता कर लिया है सुबह का, तो अब हम थोड़ा खेत में काम करने जाएंगे। आज गोबर फेंकना है, तो देखते हैं खेत में जाके कैसा हो रहा है गोबर, उसको खेत में फैलाएंगे। अब हम जाते हैं खेत में। अभी मैं आपको फ्रंट कैमरा से दिखाऊं लीची इसमें पकने वाले हैं। अभी ये कच्ची हैं बट कुछ समय बाद ये पक जाएंगी। ये आपको इस तरफ से दिखाते हैं, तो ये हमारा लीची का बगीचा है और इस तरफ इसमें आम के पेड़ भी हैं। अभी आपको इस तरफ से आंवले का बगीचा है, तो आंवले के पेड़ हैं इसमें भी, सर्दियों में आंवले आएंगे। सारे आगे तक आंवले का पेड़ है और एक आम का पेड़, और इसमें कल जुताई कर रखी है, इसमें हमने हरा चारा बोना है गाय बच्चों के लिए। तो चलते हैं आगे जहां हमें जाना है। गोबर फेंक रहे हैं खेत में, वो दूर दिख रहे होंगे आपको, तो वहाँ जाते हैं गोबर फैलाते हैं खेत में। इस तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो ये सारा जो बगीचा है इधर हमारे पड़ोस में ताऊ लोगों का है, उनका काफ़ी बड़ा बगीचा है, आगे तक है। तो यहाँ से मैं दिखाता हूँ तो हमारा आंवले का बगीचा इस तरह दिखता है। तो यहीं पर काम कर रहे हैं गोबर फेंकने का, अमन और दिब्बी लगे हुए हैं गोबर इकट्ठा करने में, तसले में डालने में। तो इस तरह गांव में गोबर को खेतों में फैलाते हैं, उससे जो फसल होगी अच्छी उपजाऊ होगी, इससे फर्टिलाइज होगी, जो भी उपज होगी अच्छे से उसको उर्वरक मिलेगा। तो देसी खाद है ये एक तरह से। तो देखो इस तरह गोबर को खेत में फैलाया जाता है, दिख रहा होगा आपको ब्लैक ब्लैक, जैसे ही पूरा खेत में फैलाया जाएगा उसके बाद इसमें खेत की जुताई की जाती है, तो पूरा ये अच्छी तरह मिक्स हो जाता है गोबर, जो जो भी फसल लगाएंगे उसमें वो अच्छे से होगी, काफ़ी उपजाऊ होगी उसमें, उसमें मिट्टी को अच्छी उर्वरकता मिलेगी इससे गोबर से। तो ये हमारा आज का ब्लॉग था गोबर फैलाने का गांव खेड़ों में कैसे करते हैं काम, ये आप लोग देख सकते हो। तो सारा मैनुअल काम होता है यहाँ पर, कोई मशीनरी नहीं, कुछ नहीं है, सब हार्ड वर्क होता है। तो कैसे किसान अपने फसलों की उपज करता है, उसकी पैदावार को बढ़ाता है, ये आप सब देख लीजिए। तो बहुत हार्ड वर्किंग होता है किसान के लिए ये सारा। अरे एक और करना है, सब कहाँ भरी जाएंगे, वो मिट्टी भी आ रही है। मैं उठाती हूँ।